गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। आगे आप लोगों को इसका जो लैब मेथड है वो आगे आप लोगों को करा चुकी हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन विथ एसीटोन। एसीटोन का हम फार्मूला जानते हैं, होता है CH3COCH3, IUPAC नाम होता है प्रोपेनॉन। आगे आप लोगों को सब ये क्लियर हो चुके होंगे। आगे आप लोगों को अगर आपने उन वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एसीटोन है इसे बॉन्ड के रूप में हमने लिखा। तो देखिए एसीटोन है, जब ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है, ये देखिए क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन की तो यहाँ से देखिए क्या बना, CH3। अब देखिए COH हो जाएगा यहाँ पर, क्या एक तो OH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी चार होती है और CCl3 यहाँ लग जाएगा। देखिए कार्बन की बैलेंसी चार है, बैलेंसिंग देख सकते हैं पूरी तरीके से। बैलेंस से किसका फॉर्मेशन हुआ, ये होता है क्लोरीटोन। ये पूछते हैं कि एसीटोन वो क्लोरोफॉर्म से किस तरीके से क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होगा, तो रिएक्शन किससे कराई जाएगी, रिएक्शन करा दी जाएगी एसीटोन से। एसीटोन जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विथ क्लोरीन। ये इंटर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है रिएक्शन, इसलिए इनको क्लियर करें। यहाँ पर देखिए जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, और जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो देखिए यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है CCl4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। रिएक्शन देखिए पूरी तरीके से बैलेंस है, देख लीजिए पांच Cl है, यहाँ पर भी देखिए 5 Cl है। किसका फॉर्मेशन हुआ, ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। आप लोगों को एक एक रिएक्शन क्लियर करा रहे हैं ताकि आप आगे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, तीसरी रिएक्शन देखिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखिए किस तरीके से होता है, देखिए जब क्लोरोफॉर्म का हमने ऑक्सीडेशन कराया, और ऑक्सीडेशन हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में हमने कराया जब ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से देखिए CO, ये ऑक्सीडेशन कराया तो CO Cl2, और यहाँ से देखिए Cl2 गैस हो गई रिमूव और H2O गैस हो गई रिमूव। तो यहाँ से देखिए ये क्या बन गया, ये हो गया फॉस्फीन। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से फॉर्मेशन हो गया फॉस्जीन का। और अगर फॉस्फीन होता तो फॉस्फीन का सूत्र होता है PH3। आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, वो इनऑर्गेनिक में है। यहाँ पर देखिए इसके दो लिए जाएंगे मोल, और आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस भी है। और यहाँ से देखिए टू इसके मोल लिए जाएंगे, टू यहाँ से देखिए दूनी चार, चार दो छह, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6। और कार्बन भी देख लीजिए पूरी तरीके से बैलेंस है। किसका फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ यहाँ से फॉस्जीन का फॉर्मेशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, चौथी रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन। देखिए क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन किस तरीके से होता है, देखिए जब हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराते हैं, और रिडक्शन हमेशा कराया जाता है किसकी प्रेजेंस में, जिंक और तनु HCl। तनु HCl की प्रेजेंस में जब हमने यहाँ पर वो कराया रिडक्शन, तो यहाँ से देखिए किसका फॉर्मेशन हुआ, CH2Cl2 और HCl, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है। इसका नाम होता है मैथिलीन क्लोराइड, क्योंकि ये मैथिलीन ग्रुप है, अगर CH3 होगा तो मैथिल ग्रुप होता। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, मैथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर देखिए टू है, टू और थ्री है, यहाँ पर देखिए एक ही है तो यहाँ पर टू लग जाएंगे। रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है, देख सकते हैं आप लोग किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है मैथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और आगे पांचवी रिएक्शन देखिए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन, जब क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन किस तरीके से कराया जाता है, देखिए जब क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराया जाता है NaOH से, NaOH विलयन के साथ जब हम इसे हीट करते हैं, जल अपघटित करते हैं, तो यहाँ से देखिए किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है HCOONa, और देखिए यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा और H2O रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के 3 मोल है तो यहाँ पे 3 लग जाएंगे, 3N है तो 3NaOH लग जाएंगे, वो सॉरी 4 लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लग जाएंगे 4NaOH। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हुआ, इसके फॉर्मेशन हुआ है सोडियम, और ये देखिए आप लोगों को फॉर्मिक एसिड पढ़ा चुकी है, तो यहाँ से देखिए एक एच कम है तो इसका नाम हो जाएगा, ये ग्रुप कौन है फॉर्मेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आगे आप लोगों को रिएक्शन कल कराएंगे, ये वीडियो बड़ा हो रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर कल आएंगे न्यू रिएक्शन के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।